आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, जिसमें हमें आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, सेक्शंस पढ़ने होते हैं, स्केड्यूल्स पढ़ने होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। हर एक जीएस के सब्जेक्ट्स को बहुत गहराई से समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हर सब्जेक्ट को आप उसकी कोर स्ट्रेंथ से समझिए, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी की जो बैकबोन होती है वो होती है हमारी पार्लियामेंट, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है वो टोटल मिलाकर तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, दैट इज प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट से अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इस बात की काफी हद तक गारंटी हो जाती है कि पॉलिटी के जो बाकी चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी सेफ एंड बेसिक जोन टू स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। सो हमारा ये जो पार्लियामेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 तक दिया गया है, और ये पार्लियामेंट तीन चीजों में डिवाइडेड होता है। पहला प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट के इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 72 में पार्डनिंग की, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स होती है। आर्टिकल नंबर 123 अगर हम देखें तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है। प्रेसिडेंट हमारे लिए एक अलग ही चैप्टर रहेगा। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में को हम इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा भी पार्लियामेंट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को हम एक एक करके बेसिक्स के तौर पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोकसभा की तरफ चलते हैं। लोकसभा का जो आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल नंबर 81। अब लोकसभा क्या होती है? सी, किसी भी कानून को अगर आपको बनाना होता है तो उसे बिल के तौर पर या विधेयक के तौर पर आपको पार्लियामेंट या संसद में पास कराना होता है। पार्लियामेंट में बेसिकली दो हाउसेस होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। जब लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी बिल पास होता है, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल हो, एंड देन फिर वो जब प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, एंड देन फाइनली जब प्रेसिडेंट अपना असेंट दे देता है तो वो बिल लॉ बन जाता है। लोकसभा में कौन से मेंबर्स बैठते हैं? लोकसभा में बैठने वाले मेंबर्स सिर्फ वही होते हैं जो 2014 या 2019 या 2009 में जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उन लोकसभा इलेक्शंस में जो कैंडिडेट जीतते हैं डायरेक्ट वोटिंग के तहत, जिन्हें हम वोट देते हैं, जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद भी कहते हैं, वो जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा में बैठते हैं। राज्यसभा भी इसका एक ही पार्ट होता है, पार्लियामेंट के अंडर ही आता है, लेकिन राज्यसभा के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन लोकसभा। सो ये बात तो क्लियर है कि लोकसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं वो होते हैं जो लोकसभा इलेक्शंस जीत कर आते हैं। जैसे 2019 का लेटेस्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 2024 में जो मेंबर्स जीतेंगे लोकसभा इलेक्शन वो लोकसभा में बैठेंगे, एंड देन गवर्नमेंट यहीं से रन करती है। लोकसभा में एट प्रेजेंट आपको 543 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। कुछ महीने पहले तक या पिछले साल तक आपको लोकसभा में 545 मेंबर्स देखने को मिलते थे, जिसमें से बेसिकली दो मेंबर्स को कम कर दिया गया है क्योंकि वो एंग्लो इंडियंस थे। एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करते थे लोकसभा में ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन अब एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब लोकसभा में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स बिल्कुल नहीं होंगे। एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि एट प्रेजेंट तो आपके लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में वो 552 हो सकते हैं, राइट? सो फिलहाल के लिए हम अपनी जो कैलकुलेशन है वो 543 के हिसाब से देखते हैं। इन 543 में से जो 524 मेंबर्स आते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में से आते हैं। जैसे हमारे पास अभी 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की जो लोकसभा सीट्स हैं वो पर्टिकुलर है, वो सर्टेन है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उस स्टेट्स में लोकसभा की सीट्स उतनी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए उस लोकसभा सीट्स को लेकर उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो उत्तर प्रदेश में जैसे आप देख सकते हैं कि 80 सीट है, बाकी स्टेट्स में भी आपको अलग अलग लोकसभा सीट्स देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में आपको 29 सीट्स देखने को मिलेंगी, छत्तीसगढ़ में 11, महाराष्ट्र बंगाल में 42, 48 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने भी स्टेट्स हैं उन टोटल स्टेट्स की टोटल लोकसभा सीट्स अगर आप देखें, सो 524 सीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी यूनियन टेरिटरीज पे। यूनियन टेरिटरीज हम जानते हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, इसे हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं।
यूनियन टेरिटरीज को फिलहाल के लिए टोटल 19 सीट्स दी गई हैं। सबसे ज्यादा जो लोकसभा सीट्स यूनियन टेरिटरी में अगर किसी स्टेट या यूटी को मिली है तो वो है दिल्ली, जिसे हम लोगों ने 7 सीट दी हुई है। जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग पहले स्टेट बोलते थे, लेकिन हम सभी को पता है कि कुछ साल पहले जम्मू एंड कश्मीर को बेसिकली स्टेट का दर्जा छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब जम्मू एंड कश्मीर के पास बेसिकली 5 लोकसभा सीट्स हैं। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव अलग अलग यूटीज थी, लेकिन अब इन्हें मिलाकर अगेन एक ही यूटी कर दिया गया। तो दादरा एंड दमन में आपको 2 सीट्स मिलेंगी। इसके अलावा जितनी भी बची हुई आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे वो पुदुचेरी हो गई या फिर चंडीगढ़ हो गई, इन्हें सिर्फ एक एक सीट ही दी गई है। सो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 524 एंड 19 सीट्स, तो ये आपकी लोकसभा की टोटल 543 सीट्स बनती है। अब ये बात तो डिसाइडेड है कि हम लोगों ने बेसिकली पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा की सीट्स को हम लोगों ने बांटा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि पॉपुलेशन को अगर हमें काउंट करना होता है तो बेसिकली हम लोग उसके लिए यूज करते हैं हमारा पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि देश की जनसंख्या कितनी है, और हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में पहली बार जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लॉर्ड मेयो ने इसको किया था। लेकिन जो रेगुलर अगर आप पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो वो 1881 से शुरू हुआ था। ये रेगुलर सेंसस तब से लेकर आज तक हर 10 साल में चलता ही आ रहा है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से, हर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से हम यहाँ पर लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि कौन से वाले पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से। लेटेस्ट जो पॉपुलेशन सेंसस हमारे पास है वो है 2011 का, लेकिन 2011 के सेंसस को हम लोकसभा की सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज नहीं करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेंसस हम लोग यूज करते हैं लोकसभा की सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो है हमारा 1971 का सेंसस। ऐसा क्यों? इस चीज को समझने के लिए पहले हमें 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें देखना है वो है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। CA इज बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म नॉट ऑफ करंट अफेयर्स बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था हमारा, जो 1976 का था, उसमें इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि ईयर 2000 तक जितने भी लोकसभा इलेक्शंस होंगे उसमें जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही होगा। अब 1976 से लेके 2000 आ गया, इस बीच कई लोकसभा इलेक्शंस हुए, लोकसभा की सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही किया गया। अब ईयर 2000 आपके पास आ चुका है, उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट सरकार में थी। अब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा ही किया जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि जो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसे 2001 में लाया गया था, उसमें यह डिसाइड किया गया कि ईयर 2026 तक जितने भी लोकसभा इलेक्शंस होंगे उसमें जो लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगेन 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। दैट मींस इस सदी के जो लोकसभा इलेक्शंस आपने देखे हैं, चाहे वो 2004 का हो, 9 का हो, 2014 का हो, 2019 का हो, या फिर आने वाला जो 2024 का जो लोकसभा सीट्स का सेशन रहेगा, जो इलेक्शन रहेगा, उसमें जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही होगा। अब 2026 में ये एक्सपायरी डेट खत्म हो रही है, इसके बाद जो 2029 का लोकसभा इलेक्शन रहेगा उसमें किस तरीके से बेसिकली लोकसभा सीट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ये वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जो 2026 में उस टाइम पे इंडिया पे रूल कर रही होगी। सो उसका फिलहाल डिस्कशन का कोई भी पॉइंट नहीं है। अब बात यहां पर ये आती है कि हम लोग ये 1971 का जो सेंसस है ये यूज कर क्यों रहे हैं। सी इस चीज को समझने के लिए हमें छोटा सा डाटा यहां पर देखना पड़ेगा दैट 1951 और 52 में हम लोगों ने पहली बार लोकसभा इलेक्शंस किए थे। तो सीधी सी बात है कि जब हम लोगों ने पहली बार लोकसभा के इलेक्शंस किए थे तो उस टाइम पे भी लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही था ऑब्वियसली। सो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने बेसिकली स्टेट वाइज इस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था कि मान लीजिए कोई स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 70 लाख है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी कोई स्टेट है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 70 लाख के आसपास है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो पहली 10 लाख की पॉपुलेशन रहेगी उस पे एक लोकसभा सीट दी जाएगी, और उसके बाद की जो 20-20 लाख की पॉपुलेशन रहेगी उस पे एक एक लोकसभा सीट
दी जाएगी। तो टोटल ये आपकी जो पॉपुलेशन है 70 लाख हो गई, और टोटल जो आपकी लोकसभा सीट्स है वो कितनी हो गई, 4। ठीक, लेकिन 1971 के बाद ऑब्वियसली हमें पता है कि पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ था इंडिया में, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब अगर आप 20-20 लाख की इस कैलकुलेशन से अगर लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सो इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट विल एक्चुअली गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पहली स्लाइड में हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था दैट मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं, 552 हो सकती हैं। तो ये 552 का जो बैरियर है वो हमें क्रॉस नहीं करना था, तो पॉपुलेशन तो हम रोक नहीं सकते। सो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने बेसिकली पॉपुलेशन के सेंसस को रोक लिया, और जब तक वो पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आ जाती या फिर डीलिमिटेशन हम लोग अलग तरीके से नहीं कर देते, तब तक हम लोगों ने ये डिसाइड किया था दैट 1971 का जो सेंसस है उसे ही हम लोग बेसिकली लोकसभा की सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेंगे। दैट्स व्हाई 1971 का सेंसस लोकसभा सीट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। यहां पर आपको कुछ चीजें और देखनी जरूरी है। जो हमारा लोकसभा होता है, लोकसभा बेसिकली लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, राइट? जैसे ही ये 5 साल का टेन्योर लोकसभा का खत्म हो जाता है तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, और लोकसभा के डिसॉल्व होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक नया लोकसभा का इलेक्शन होना जरूरी होता है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है दैट लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं दैट लोकसभा के पास ज्यादा पावर है तो इसे हम लोग अपर हाउस कहेंगे और राज्यसभा को हम लोग लोअर हाउस कहेंगे, लेकिन ऐसा गलत है। यहां पर जो अपर हाउस है वो हम राज्यसभा को कहते हैं और जो लोकसभा है उसे हम लोअर हाउस कहते हैं। इसका बेसिक सा रीजन ये है दैट लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाती है, ये भंग हो जाती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भी भंग नहीं होती, इसीलिए हम राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर ओवरऑल पावर या अथॉरिटी के हिसाब से देखेंगे तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, लेकिन ड्यूरेशन या डिसॉल्यूशन के तौर पर देखेंगे तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लोअर हाउस। यहां पर मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको एक और बताना चाहूंगा दैट लोकसभा को इंग्लिश में हम लोग हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, वी ऑल नो दिस, एंड जो राज्यसभा है उसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। लेकिन ये जो लोकसभा और राज्यसभा जो हिंदी नाम है ये आपके 1954 में अडॉप्ट किए गए थे। 1954 से पहले लोकसभा और राज्यसभा को हिंदी में भी हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से ही जाना जाता था, बट वी अडॉप्टेड दिस द हिंदी नेम्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन द ईयर 1954। एंड देन फिर जब लोकसभा इलेक्शन होता है तो जैसे कि हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो 543 मेंबर्स होते हैं वो 543 मेंबर्स बेसिकली चुनकर आते हैं। इन 543 मेंबर्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर मेजॉरिटी मिल जाती है, मेजॉरिटी का मतलब यहां पर हम लोग 272-273 सीट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जिनको मेजॉरिटी मिल जाती है ये 272 मेंबर्स मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि सदन में यानी कि हाउस में उनका लीडर कौन होगा, और जो उनका लीडर चुना जाता है वही आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनता है। सो वी डू नॉट इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, वी इलेक्ट आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लोकसभा का हम डायरेक्टली करते हैं, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पर्सन को चुनते हैं अपना लीडर बनाकर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। सो द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा इज डन डायरेक्टली, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। तो ये लोकसभा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो आप लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और इस तरीके के और नॉलेजेबल नोटिफिकेशंस आप चाहते हो, सो यू हैव टू सब्सक्राइब चहल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अगर आप करंट अफेयर्स के भी और सेक्शंस चाहते हैं, यू कैन विजिट आवर चहल एकेडमी वेबसाइट। प्लस अगर ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका बेसिकली आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन यहां पर दे रहे हैं, अगर आपको इनके डिटेल लेक्चर चाहिए तो चहल एकेडमी हैज 24 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। यू कैन कॉन्टैक्ट इन एनी ऑफ द ब्रांच इंक्लूडिंग हेड ब्रांच ऑफ दिल्ली। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।